सोना तुम भी अभी। अच्छा बस बस बस, अब तुम दोनों झगड़ा मत शुरू करना, बस जल्दी से दिल्ली आ जाओ। आलोक कल सुबह हमें भी निकलना चाहिए। हाँ कल, कल क्यों? हाँ बड़ी माँ रुक जाइए ना थोड़े दिन। अरे नहीं नहीं, कल वहाँ मोहल्ले में नाटक है भाई, और हमारे बाबूजी और इंदर अकबर और सलीम का रोल कर रहे हैं, और हम ना जाएं? ओ या, मैं मिस कर दूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी माँ डैड कह रहे थे कि आप दोनों को, आपको और पापा को आज शाम को मुंबई घुमा दूं। नहीं सुहाना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ पर मुंबई आए हैं तो नारायण भाई साहब के घर जरूर चलेंगे। हैं? वो रूमिंग वाले अंकल। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छा ही रहा, वरना भाई मेरा तो ना दिल डूबा जा रहा था सच। अरे सुहाना भी, इसने दो दिन में इतना कुछ कर दिया। रजनी भाभी आपने ना बिल्कुल ठीक कहा था, एक ही झटके में दिल्ली और मुंबई को हिला के रख दिया। ये तो वही वाली बात होगी, तुम कहते हो ना खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। तुझे क्या हो गया छोटी? नाना जी, छोटी मामी अब खुशी के मारे रो रही हैं। अरे धत, मैं खुशी के मारे नहीं रो रही हूँ, मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ कि जब आलोक आएंगे और आने जाने का हिसाब करेंगे ना, तो देखना दांत भीज भीज के महीनों तक हमें ताने देते रहेंगे कि कुछ हुआ नहीं और इतना सारा खर्चा हो गया। अभी तो पूरी बत्ती सी दिखा के हंस रही हो, और सुबह ईशान और सुहाना के चक्कर में मुझ पे भी शक करने लगी थी। अरे रानी मुझ पे भी कर रही थी, है ना, है ना? क्या है? हाँ क्या है? हाँ आपका इस घर में आना बैंग है, पता नहीं है? कौन है माधुरी? अरे बाबा हाँ मैं लेने आले डिटेक्टिव बिजलानी, और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि सुनाली और सर कल रात को इसी घर पे। हाँ तो एकदम हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन लग रहा है। बड़े साहब, ओम मैडम, यही है बिजलानी, मैडम को साहब के खिलाफ इसने ही भड़काया था। ओ, तो आप हैं मिस्टर बिजलानी? जी मैं हूं मिस्टर बिजलानी, और आप? ओ समझ गया, सर के वकील है। मैडम आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। देखिए वकील साहब, मैं आपको साफ कह देता हूं, अगर आप डिवोर्स नोटिस मैडम को देने आए हैं तो भूल जाइए, वी'ल सी यू इन कोर्ट, वी'ल फाइट यू इन कोर्ट। आप क्या समझते हैं अपने आप को, चले जाइए यहां से। मिस्टर बिजलानी स्टॉप इट। नो मैडम, आप क्यों घबरा रही हैं? कानून आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, इस सोसाइटी में हर फ्लैट का हर मेंबर आपके साथ है, आप परेशान होने नहीं देंगे। मिस्टर बिजलानी शट अप। नहीं सर, अभी नो शट अप, अब कानूनी जंग होगी, वी'ल फाइट टिल फिनिश। मिस्टर बिजलानी जस्ट स्टॉप इट, ईशान के डैड है। कहां रह गए ये लोग, कब खाना खाएंगे पता नहीं। मुझे तो लगता है झगड़ा हो रहा होगा वहां पर। हाँ, मनोहर थोड़ी ना छोड़ेगा ये रोल, वो तो ताक में बैठा था कि किस तरह उसे सलीम या अकबर का रोल मिल जाए। हाँ। भाई आज तो हंगामा होने वाला है घर में। हाँ ये सब ना सुहाना भाभी की वजह से हुआ है, अच्छा खासा हाथ में आया रोल निकल गया सबसे। वैसे इलेश को अगर रोल मिलेगा तो वो खुश होगा ही, और अगर नहीं मिला तो भी खुश होगा। कम से कम इंदर को तो सलीम का रोल नहीं मिला ना। क्या राधा हुआ, नहीं 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 ऊपर से कुछ भी हो, लेकिन इलेश ऐसे जलता नहीं है अंदर से। लेकिन भाई जो भी हो, मैं तो चाहती हूँ कि जैसे तैसे ना ये नाटक खत्म हो। सच में जुम्बेश मकून, निगाहे रूबरू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बड़ी माँ के पास आऊंगी। सुहाना तुम ईशान के पास जाके सोना। नो, मैं बड़ी माँ के पास आऊंगी। तू क्यों आ जाए यहाँ मेरे पास? अरे बाबा कितनी मुश्किल के बाद तुम दोनों का झगड़ा खत्म हुआ है, जाओ 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 अपने ईशान के पास जाओ, भागो। ईशान मिल गया ना तुमको, अब तुम उसके पास जाके सोना। प्लीज मुझे बड़ी माँ के पास सोना दो।